लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास और इजराइल के बीच गाजा पट्टी में संघर्ष यानी कि जंग लगातार जारी है। लगातार हम देख रहे हैं कि हमास के लड़ाके इजरायली सैनिकों को खदेड़ रहे हैं, इजरायली सैनिकों का बुरा हाल हो रहा है और यही वजह है कि अब इजरायली सांसद भी अपने सैनिकों का भारी नुकसान देखकर भावुक हो रहे हैं, रो रहे हैं। अब इस बीच एक वीडियो सामने आ रहा है, इस वीडियो को लेकर ये कहा जा रहा है कि इजरायल के सैनिक जो हैं वो हमास के लड़ाकों के सामने डर गए हैं, कांपने लगे हैं और ये बात कबूल कर रहे हैं कि ये मिशन कठिन है, नामुमकिन सा है, लेकिन फिर भी हमें करना पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे कोई बच्चा अपने आप को दिलासा देता है कि वो चीज़ कठिन है लेकिन उसके बावजूद भी हम कर लेंगे, हमसे हो जाएगा। वही हाल इजरायली सैनिकों का यहाँ पर हो गया है। इजरायली सैनिकों के टैंक लगातार तबाह हो रहे हैं, इजरायली सैनिकों की जान लगातार जा रही है, इजरायली सैनिक लगातार घायल हो रहे हैं और उसी बीच अब इजरायली सैनिक क्या बातें कर रहे हैं ये आपको दिखाते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर रशियन न्यूज का ये ट्वीट देख रहे हैं। रशियन न्यूज ने यहाँ पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें इजरायली सैनिक आपस में बात करते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं और उसी के साथ युद्ध के जो हालात गाजा पट्टी में हैं उनकी कुछ तस्वीरें हैं। यहाँ पर लिखा है, इजरायली सेना का कहना है कि नुकसान दर्दनाक है, जो नुकसान हो रहा है वो वाकई दर्दनाक है क्योंकि सैनिकों की जान लगातार खतरे में है, सैनिक लगातार जो है वो मारे जा रहे हैं। आगे वो कहते हैं मिशन भी कठिन है, यानी कि हमास के खिलाफ, गाजा के खिलाफ जो इन्होंने मिशन शुरू किया है, हमास के खात्मे का जो मिशन इन्होंने शुरू किया है, ज़मीनी ऑपरेशन मिशन जो इन्होंने शुरू किया है, वो मिशन कठिन है, वो मिशन नामुमकिन भी हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि हमें यहूदियों की सुरक्षा के लिए और भविष्य के लिए ये करना पड़ेगा, यहाँ लड़ना पड़ेगा। यहाँ पर आरटी उर्दी ने लिखा है कि इजरायली सेना का कहना है कि नुकसान दर्दनाक है और मिशन कठिन है लेकिन यहूदियों की सुरक्षा और भविष्य के लिए ये ज़रूरी है, यानी कि उन्हें भविष्य के लिए और यहूदियों की सुरक्षा के लिए जंग में उतरना ही पड़ेगा और वो जंग में उतरे भी हुए हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि इजरायली अस्पताल के बाहर एक के बाद एक एम्बुलेंस खड़ी है और किस तरह से वो घायल सैनिकों को अस्पताल ले जा रही हैं। यहाँ जो वीडियो शेयर किया है रशियन न्यूज ने, उस वीडियो को यहाँ पर देख लेते हैं। इस वीडियो में आपको इजरायली सैनिक आपस में बात करते हुए नजर आएंगे, जो बातें उन्होंने कही है वो आपको पहले ही ट्रांसलेट करके हम बता चुके हैं, वीडियो देखिए। यहाँ पर आपने वीडियो देखा, साथ ही वहां पर गाजा पट्टी में जो इजराइल और हमास के लड़ाकों के बीच संघर्ष हो रहा है, जंग लगातार चल रही है क्योंकि इजरायली सेना की तरफ से जमीनी ऑपरेशन किया जा रहा है, गाजा में घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है, उसको नाकाम करने के लिए और उसका जवाब देने के लिए लगातार हमास और अलकासम ब्रिगेड की तरफ से जवाब भी दिए जा रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं। इस बीच क्या युद्ध के हालात बने हैं, क्या वहाँ की तस्वीरें सामने आ रही है, इसका वीडियो भी आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। तो यहाँ पर ये वीडियो आपने देखा है, जो वीडियो रशियन न्यूज ने यहाँ पर शेयर किया है और यहाँ पर आप ये भी देख रहे हैं कि इजरायली सैनिक हमास के सामने किस तरह से जो है वो डर रहे हैं, कांप रहे हैं। उन्हें पता है कि ये मिशन कठिन है लेकिन फिर भी उनको जो है वो करना ही पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर कुछ दिन पहले खबर आई थी कि जो ग्राउंड ऑपरेशन किया जा रहा है इसराइल की तरफ से, उसमें हाल ही में 9 सैनिक जो है इसराइल के वो मारे गए हैं। तो यहाँ पर सैनिकों के मामले में इसराइल को अच्छा खासा नुकसान हो रहा है और यही वजह है कि इसे लेकर अब नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ रही हैं, साथ ही उनके सांसद भी अब रो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं कि उनके सैनिक लगातार जो हैं उनका नुकसान हो रहा है, लगातार मारे जा रहे हैं। एनडीटीवी का आर्टिकल है जिसमें लिखा है गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इसराइल के 9 सैनिकों की मौत हो गई है, IDF ने खुद इसकी पुष्टि की है, लगातार सैनिक घायल भी हो रहे हैं। एम्बुलेंस का हाल अगर आप देखेंगे तो हॉस्पिटल्स के बाहर आपको एम्बुलेंस आती जाती नहीं रुकती हुई दिखाई देंगी क्योंकि एक के बाद एक जो सैनिक हैं जो घायल हो रहे हैं युद्ध क्षेत्र में उन्हें लेकर जाया जा रहा है, हेलीकॉप्टर से सैनिकों को युद्ध क्षेत्र से निकाला जा रहा है, उनकी बॉडीज उनकी लाशों को निकाला जा रहा है, उन जो घायल सैनिक हैं उनको उपचार के लिए इलाज के लिए लेकर जाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं
किस तरह से दोनों के बीच जो जंग हो रही है, संघर्ष हो रहा है, उसमें इसराइल को यहाँ पर मुंह की खानी पड़ रही है। अब सवाल ये भी है कि इसराइल की हाईटेक आर्मी, इसराइल की इतनी ताकतवर आर्मी, सुपर पावर किस तरह से हमास के सामने जो है वो घुटने टेकती हुई नजर आ रही है, या फिर यूं कहें कि हमास के सामने कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर एनडीटीवी का आर्टिकल देखिए जिसमें लिखा है कि गाजा में इजरायली सेना के जमीनी हमले लगातार जारी हैं। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजरायल के 9 सैनिक जो हैं उनकी मौत हो चुकी है। आईटीएफ ने अपने सैनिकों की मौत की पुष्टि की है। साथ ही युद्ध के 26वें दिन भी इजरायल की सेना, हालांकि 26 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, इजरायल की सेना डटकर गाजा पट्टी में खड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर अब वो क्या बातें कर रहे हैं, उनके बीच क्या भाव पैदा हो रहे हैं, क्या उनके बीच सवाल पैदा हो रहे हैं, ये तो आपने सुना ही है रशियन न्यूज के उस ट्वीट में, उस वीडियो में। 7 अक्टूबर को हमास ने गाजा पट्टी की तरफ से इसराइल पर एक साथ 5,000 रॉकेट दागकर जंग छेड़ दी, जिसके बाद से ही इसराइल गाजा में जवाब दे रहा है। और जो इसराइल गाजा पर बमबारी कर रहा है, मासूमों की जान ले रहा है, उसका जवाब भी इसराइल को जो है हमास के लड़ाके, अल कसम ब्रिगेड के लड़ाके, उसका जवाब भी बहुत जोरों शोरों से दे रहे हैं, जिसके बाद तस्वीरें सामने आती हैं कि इसराइल के शहर जो हैं वो बुरी तरीके से दहल उठे। तो यहाँ आप देख रहे हैं, इसी बीच जो जमीनी ऑपरेशन शुरू किया है इसराइली सेना की तरफ से, उसमें भी एक के बाद एक इन्हें झटका मिल रहा है। इसराइली सेना पर गाजा पट्टी में हमले हो रहे हैं, कई सैनिक वहां पर घायल हो रहे हैं, टैंक तबाह हो रहे हैं, कई लोगों की मौत की पुष्टि भी की जा रही है, कई सैनिकों की मौत की पुष्टि की जा रही है। सैनिकों का हाल इतना बुरा कर दिया अल कसम ब्रिगेड के लड़ाकों ने कि सैनिक जो है वो युद्ध क्षेत्र छोड़ करके कब्जे वाली जगह जो है वो वहां पर भाग रहे हैं। उनको वहां से निकालने के लिए हेलीकॉप्टर बुलाए जा रहे हैं। सैनिकों का हाल वहां पर बहुत बुरा हो चुका है। यही वजह है कि उनके सांसद किस तरह से रो बिलख रहे हैं संसद के अंदर ही कि उनके सैनिकों का भारी नुकसान हो रहा है। तो यहां आप देख रहे हैं कि हमास और इसराइल के बीच जंग हो रही है, लेकिन इस जंग में इजरायली सैनिकों को नुकसान हो रहा है। इसराइल को लगातार एक के बाद एक झटका मिल रहा है। इसराइल का पहले तो आयरन डोम सिस्टम नाकाम हो गया, उसके बाद लगातार हमास की तरफ से, अल कसम ब्रिगेड की तरफ से इसराइली शहरों पर जो है एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लगातार इसराइल को चेतावनी भी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं हमास और इसराइल की इस जंग में इसराइल जो है वो चारों तरफ से फंस कर रह गया है। इसराइल को चारों तरफ से यहाँ पर चेतावनी मिल रही है, इसराइल को चारों तरफ से यहाँ पर हमले झेलने पड़ रहे हैं। इसराइल जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, इसराइल जो अपने आप को सबसे ताकतवर बताता है, जो उसके पास युद्ध के हथियार है उसमें वो अपने आप को सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ बताता है, उस इसराइल का हाल हमास के लड़ाकों ने क्या कर दिया है ये तो आपके सामने ही है। किस तरह से 7 अक्टूबर को बड़ा हमला किया गया इसराइल पर, उसके बाद इसराइल पर उससे भी बड़ा हमला किया गया, और उसके बाद से लगातार इसराइल के शहरों पर हमले किए जा रहे हैं। तेल अवीव की आप बात कर लीजिए, अश्दोद की आप बात कर लीजिए, इसराइल के शहर एलित की आप बात कर लीजिए, जिसमें लगातार हमास की तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं, और कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि मिसाइलें दागने के बाद अच्छा खासा नुकसान वहां हो रहा है, तबाही वहां पर हो रही, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको पिछली खबरों में दिखा चुके हैं कि किस तरह से लगातार हमास की तरफ से जो हमले इजरायली शहरों में हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं इजरायल की टेंशन और बढ़ा रहे हैं। और अब जो युद्ध क्षेत्र में, किसी भी देश के लिए जब उसके सैनिक युद्ध क्षेत्र में हार रहे होते हैं, युद्ध क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा संख्या में घायल हो रहे होते हैं, तो वहां पर परिणाम जो है वो साफ नजर आने लगते हैं। यहां पर भी परिणाम साफ नजर आ रहे हैं। गाजा पट्टी पर जो जमीनी ऑपरेशन शुरू किया गया इसराइल की तरफ से, इजरायली सैनिक उसी में फंसते जा रहे हैं। इजरायली सैनिक अपने ही जमीनी हमले में एक के बाद एक जो है वो मात खाते जा रहे हैं, शिकस्त खाते जा रहे हैं, और उसके बाद लगातार जो है सैनिकों का नुकसान हो रहा है, सैनिक घायल हो रहे हैं, सैनिकों की मौत भी हो रही है। तो ऐसे में इसराइल कहीं ना कहीं युद्ध के क्षेत्रों में सैनिकों के मामले में पिछड़ता जा रहा है। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। The Life TV, सच सबसे आगे।